Hi dear students, the last video we discussed about the mean. ये की कर को to how to find the mean of the grouped frequency data. In grouped frequency data, one more thing is there, that class interval will be continuous or discontinuous. Continuous जो क्लास इंटरवल होता है वो होता है जैसा कि हमने शुरू किया था 10, 15, 15, 20, 20, 25. जो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है. इसको बोला जाता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास इंटरवल. डिसकंटिन्यूस होता है इनमें एक गैप होता है. सपोज हम यही पे करते हैं 10 to 15, then 16 to 20, ये जो एक गैप आएगा कि ये जो इसकी अपर लिमिट रहेगी वो इसकी लोअर लिमिट ना रहे, कुछ चेंज होके आए, तो उसके लिए इसको हमने कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होता है. और उसका मेथड क्या है कि ये जो इनमें डिफरेंस आता है, डिफरेंस 15 का और 16 का आता है 1, 1 को हम 2 से करते हैं डिवाइड, जो कि 0.5 आता है. ये जो 0.5 होता है हमें क्या करना होता है, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना होता है और अपर लिमिट में हम ऐड कर देते हैं. जैसे ये है, इसमें हम क्या करते हैं इसको 9.5 लिखेंगे, 10 तो बन जाएगा 9.5 और जो 15 था वो बन जाएगा 15.5. डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो क्लास इंटरवल होता है उसको कंटिन्यूस करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि जो 10 टू 15 आ गया सपोज और ये 16 टू 20 आ गया, हमें पता है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है उसमें लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है और अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है. अब सपोज कोई डाटा 15 है तो उसको हम ना तो इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड कर सकते हैं ना इसमें कर सकते हैं. ये तो इसमें अपर लिमिट हो गया और 15 इसमें लोअर लिमिट 16 है, तो 15 इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा. तो हमें क्या करना होता है, इनको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में हम चेंज करते हैं. और कंटिन्यूस में चेंज करने के बाद जैसे ये 15.5 आ गया तो जो 15 था वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, वो डाटा इसमें काउंट हो जाएगा. ओके, सो इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे आपने पास रिक्वायरमेंट इधर तक तो नहीं है, आगे हम जब मीडियम फाइंड आउट करेंगे तो हमें डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होगा. नाउ सी, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 के आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के दिए थे, इसमें रेस्ट 4 क्वेश्चन और रहते हैं आपके, 6, 7, 8, 9 तक हैं. आप इनके लिए ट्राई करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, कि जो ग्रुप्ड डाटा है उसका मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम है. ठीक है, मोड यू नो वेरी वेल कि आपके पास जो कुछ डाटा गिवन है, सपोज 2, 6, 5, 4, 5, 0, 0, 2, 1, 3, 3, 2, 3, अपने को इसका मोड फाइंड आउट करना होता है. डाटा में जो मोड होता है वो होता है जो डाटा विच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. यहाँ आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी 2, 1, 2, 3 टाइम्स है, 6 वन टाइम है, 4 भी वन टाइम है, 5 भी वन टाइम है, 0 भी वन टाइम है, 1 वन टाइम है और 3 आपका 2 टाइम्स है. यहाँ पर जो मोड होएगा वो कितना हो जाएगा, 2, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है. फ्रीक्वेंसी को मोड नहीं लिखना आपको, जो डाटा है वो मोड होगा. जैसे 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो मेनली स्टूडेंट्स यहाँ 3 मोड बोल देते हैं, बट जो मोड होता है वो क्या होता है, आपका जो डाटा होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सिर्फ ये चेक करते हैं हम कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो डाटा होता है दैट इज नोन एज द मोड. ओके, नाउ सी, ये तो था कि अपने पास जब ओरिजिनल फॉर्म में डाटाज गिवन होंगे तो उनका मोड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. अपने पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी, उनसे चेक करके हम इसका मोड बता देंगे. बट यही जो डाटाज हैं वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में आते हैं, क्लास इंटरवल में अरेंज होके आएंगे, तो हम कैसे बताएंगे कि इसका मोड कैसे होगा, उसके लिए देख लीजिए.
एक क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन देता है फैमिली साइज, और फिर बोलता है नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, फैमिली साइज मीन्स कि उसमें मेंबर्स कितने हैं। मेंबर्स के लिए बोलते हैं 1, 2, 3 मेंबर्स हैं, ऐसी फैमिलीज हैं उसके पास 7। 3 to 5 मेंबर्स हैं फैमिली में, उसकी फ्रीक्वेंसी देता है 8। 5 to 7 कैंडिडेट्स हों तो उसकी फ्रीक्वेंसी देता है 2। 7 to 9 इसकी भी फ्रीक्वेंसी देता है 2, और 9 to 11 फ्रीक्वेंसी देता है वो 1। यहाँ पे आपके पास फैमिली साइज जो क्लास इंटरवल टाइप दे रखे, क्लास ये फैमिली साइज है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। जैसा हम मोड में आइडेंटिफाई करते हैं कि मोड फाइंड आउट करने के लिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ भी अपने को क्या करना है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको आइडेंटिफाई करना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास इंटरवल होता है उसको बोला जाता है मॉडल क्लास, जिसमें फ्रीक्वेंसी है, जिस क्लास इंटरवल का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको बोला जाता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास 3 to 5 हुआ तो इसमें हमने बताया आपको कि 3 जो होती है वो होती है लोअर लिमिट, और जो 5 है वो है आपका अपर लिमिट, राइट। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको वो डिनोट करता है F1 से, और इससे प्रीडिसेसर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F0, और इससे सक्सेसर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिनोट करता है वो F2 से। तो जो मोड का एक फॉर्मूला होता है आपके पास मोड फाइंड आउट करने के लिए वो होता है L, जो कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे जो L है वो तो आपको पता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो गया, F1 आपको बताया हमने ये फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, F0 इससे प्रीडिसेसर क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F2 इससे सक्सेसर क्लास की होती है, बचा H। H होता है आपका क्लास साइज, क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, जो मॉडल क्लास होता है उसका साइज फाइंड आउट करना होता है अपने। तो यहाँ पे अपर लिमिट इसकी होगी 5 और लोअर लिमिट होगी इसकी 3, तो H जो है वो आता है आपके पास 2। अब ऑल वैल्यूज आपके पास वो इसमें रिप्लेस कर दीजिए, इसको सोल्व कीजिए, आपके पास जो मॉडल ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। मोड फाइंड आउट करेंगे तो L तो हो गया यहाँ पे 3, प्लस F0 है आपके F1 है 8 माइनस F0 7, 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2, तो ये बन गया आपके पास 3, प्लस ऊपर तो आया 1, नीचे ये आएगा 16, और 16 माइनस 9 कितना बनता है 7 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 3 प्लस 2 अपॉन 7, 7 एलसीएम 21 प्लस 2 मीन्स 23 अपॉन 7 आता है, तो 23 अपॉन 7 में जब आप 7 का डिवाइड करते हो तो ये आता है आपके पास 3.2 समथिंग, नियर अबाउट टू 9 आ जाएगा, 2 डिजिट का जब आप डेसिमल फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करना है, सी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी आपके पास, क्लास इंटरवल होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी में आपको लेना है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आइडेंटिफाई करना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो इसकी जो क्लास इंटरवल आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में लोअर लिमिट लेना है अपने को जो एल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 से डिनोट करेंगे, इससे प्रीडिसेसर क्लास की हम F0 से डिनोट करेंगे, और इसकी सक्सेसर क्लास की हम F2 से डिनोट करते हैं। उसके बाद रहता है H, और H होता है आपके पास क्लास साइज। ऑल वैल्यूज आप यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर्मूला में फिट करेंगे, आपके पास मोड ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए इसका,
एग्जांपल में देता है आपके पास आपकी एक्सरसाइज जो 14.2 है, हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आपके पास एज गिवन है इन इयर्स, और उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट्स है। जिसको वो FI से डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी या सिम की ऐप से कर दो भी तो नहीं चलता है। यहाँ पे आपको देते हैं 5 to 15, 15 to 25, फ्रीक्वेंसी देते हैं आपको 6, 11, 21, ओके। अपने को यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 23, तो मॉडल क्लास होगी आपकी 35 to 45, ओके। F1 वैल्यू होगी आपके पास 23, F0 हो गया इससे प्रीडिसेसर क्लास 21, F2 हो गया इसके सक्सेसर क्लास 14, H हो गया आपके पास क्लास साइज मीन्स 45 - 35 दैट इज 10, और यहाँ से आपके पास L की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 35, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब आप मोड फाइंड आउट कर दीजिए इसका। सबसे पहले आप मोड का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, L प्लस F1 - F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 - F0 - F2 इंटू H। L है आपके पास 35 प्लस F1 आता है आपके पास 23, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, यहाँ 2 into 23 - 21 - 14, और क्लास साइज है आपका 10। ये रहता है आपको 35 प्लस 23 - 21 2 डिवाइड बाई, ये हो गया 46 माइनस, जब इनको ऐड करते हो तो ये रहेगा 35 into 10, आता है 35 प्लस 2 into 10 डिवाइड बाई, यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है 11, दैट इज 35 प्लस 20 अपॉन 11, 11 हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम से यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 55, 533 और 538 प्लस 20, यह आ गया 5, 10, 0, 1, 4 डिवाइड बाई 11, और फिर आप इसको करेंगे डिवाइड, तो 11 3 - 33 - 7 - 75, तो 11 6 - 66 point something जो भी आता है वो आपका मोड आ जाएगा इसमें, ओके। सो सिंपल। आप देखिए कुछ इसमें लिमिटेशन से क्या क्या होती है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन आप कैसे होगा, सपोज आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे आ जाए, 23 सपोज यहाँ था और 6 यहाँ हो गया, ठीक है। तो आप ठीक है, इसको तो डिनोट कर दोगे F1 से, इसको डिनोट कर दोगे F2 से। आपको बात आती है कि F0 क्या होगा, जब इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो F0 की फ्रीक्वेंसी, जो F0 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। और सेम वे से अगर यहाँ पे अगर 23 आ जाता, यहाँ F1 होता तो F2 आपका 0 बन जाता, और इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी आती है F0, उसको आप 14 डिनोट कर देते। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन सी, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, ऑल आर इजी क्वेश्चन, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये।
इसको हम एक्सरसाइज कर लेते हैं 14.2 एंड इस क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, और आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखा है। यहां देता है वो 1000 to 1500, 1500 to 2000, ओके। फ्रीक्वेंसी इनकी देता है नंबर ऑफ फैमिलीज 24, 40, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, ओके। वेरी फर्स्ट यहाँ पे आप राइट डाउन करेंगे, सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 52 हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 1500 to 2000 इज हाईएस्ट, दैट इज 40। सो मॉडल क्लास इज 1500 to 2000, दैट इज एल आपके पास हो गया 1500, और मैं बाकी यहाँ लिख रहा हूँ F1 हो गया 40, F0 हो गया 24, F2 हो गया 33, ओके। H आएगा आपको 2000 माइनस 1500, दैट इज 500। सो मोड आएगा आपके पास, मोड रहेगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L है आपके पास 1500 प्लस F1 है आपके पास 40 माइनस F0 है 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू क्लास साइज, क्लास साइज आता है आपके पास 500, या आप 500 से मल्टीप्लाई करते हैं, आता है आपके पास 1500 प्लस, इनको सब्ट्रैक्ट करते तो आया 16, ये आया 80 माइनस, इनको ऐड किया तो ये आता है आपके पास 57 मल्टीप्लाई बाई 500, 1500 प्लस 16 अपो, यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आता है आपके पास 23 इंटू 500, देन 1500 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8000 डिवाइड बाई 23 एलसीएम लेंगे, मीन्स आगे से कैलकुलेशन वर्क रहता है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आपका मोड आ जाएगा, ओके। मोड के लिए एक चीज बता दें आपको, क्या जब आपका आंसर आए तो आपको चेक करना है कि राइट है कि रॉन्ग है, तो जो आपकी मॉडल क्लास है ये उसके बिटवीन, इसके बीच में लाई करेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बीच की आती है, राइट। सो आज के लिए आप एक्सरसाइज 14.2 करें और 14.1 के जो पेंडिंग क्वेश्चंस थे वो करें। थैंक्स।